शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऊर्जा मंत्री तथा अखिल भारतीय कांग्रेस के अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष नितिन राउत को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजमगढ़ की सीमा पर रोककर स्थानबद्ध किया। इस घटना के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटी के दिग्रस तहसील पदाधिकारियों ने इस बाबत तहसील कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के बासा ग्राम के गरीब तबके के सरपंच पप्पू राम की गोली अदाग कर हत्या की घटना हाल ही में सामने आई थी। ऐसे में ऊर्जा राज्य मंत्री नितिन राउत मृतक सरपंच के परिजनों को सांत्वना देने वहां जा रहे थे। बहरहाल यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटी ने तहसील कार्यालय को ज्ञापन सौंप कर ऊर्जा राज्य मंत्री नितिन राउत को रोकने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जमात की सेल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चे अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री नितिनजी राऊत यांच्या इकडे मागासवर्गीय समाजाची देशाची जबाबदारी असल्यामुळे उत्तर प्रदेश मध्ये आजमगढ़ या जिल्ह्यामध्ये एका दलित सरपंचाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आणि काँग्रेस पार्टीच्या वतीने नितिनजी राऊत हे त्या ठिकाणी जात असताना आजमगढ़च्या सीमेवर त्यांना अटक करण्यात आली आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी अनुसूचित जाती जमाती राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जा मंत्री माननीय नितिन राऊत यांना उत्तर प्रदेश येथे आजमगढ़ येथे जात असताना त्यांना प्रवेश न देण्यात आला याचा आम्ही यूपी सरकारचा व केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करतो। अल्पसंख्याक काँग्रेस कमेटी तथा जिल्हा काँग्रेस कमेटीतर्फे आम्ही जाहीर निषेध करतो। इसके साथ ही संगठन के अनुसूचित जाति विभाग की ओर से तहसील कार्यालय को 2019-20 के शैक्षणिक सत्र के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रवेश छात्रवृत्ति के सबब के तहत रद्द न करने और इस संदर्भ में राज्य के विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश देने के संदर्भ में भी ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष व ऊर्जा मंत्री माननीय नितिनजी राऊत साहेब यांना उत्तर प्रदेश येथे जात असताना अटक करण्यात आली त्या निमित्त अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीनं व काँग्रेस तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आम्ही जाहीर निषेध करतो व तसेच महाराष्ट्रात SC ST OBC VJNT आणि अल्पसंख्याक विभागाला महाराष्ट्र शासनाने आतापर्यंत स्कॉलरशिप नाही दिली त्याकरता सुद्धा आम्ही अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने व काँग्रेस कमिटीच्या वतीने निवेदन देण्यात आलेले आहे। इस दौरान संगठन जिला सरचिटनीस राजेंद्र चौहान, अल्पसंख्याक कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष विजय घाटे, दिनेश सुकोड़े उपाध्यक्ष, अरबाज धारीवाला, गणेश रोकड़े, अजय कामले, सुनील वानखड़े, फैसल पटेल आदि सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।